सिंधु घाटी सभ्यता, पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, वो भी क्वेश्चन कैसा बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कैसे इसको। देखिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके नाम में देखिएगा, नाम कैसे पढ़ा, नाम कैसे पढ़ा। अब इसको पढ़ने के आप पढ़ें, पढ़ने का कारण क्या है, पढ़ने का कारण क्या है इसको। तो देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है भारत की पहली सभ्यता है। जब इस भारत की सभ्यता जब स्टार्ट होती है तो पहली सभ्यता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सभ्यता, ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सभ्यता ग्रामीण है, ग्रामीण है या नगरीय है, नगरीय है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगरी सभ्यता है। अगर क्वेश्चन आए कि विश्व की प्रथम नगरी सभ्यता कौन सी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन एरिया में पूछे तो। और इसी के साथ साथ एक सभ्यता आपको मिस्र के भी है और मेसोपोटामिया का भी सभ्यता है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं जानना है, लेकिन आ जाए क्या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ी सभ्यता है। हाँ, मिस्र मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ी सभ्यता थी, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों नाम पड़ा इसका, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, आप एक बार देखिए यहां पे क्या है, घाटी, घाटी कहाँ बनेगी, या तो नदी में बनेगी, ठीक। तो यहां पे आप बस नदी मानिए, यानी जो सभ्यता बसी थी वो नदी के किनारे बसी थी, जो भी सभ्यता जो भी लोग रहते थे वो नदी के किनारे रहते थे, नदी के किनारे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी। अब ये क्यों सिंधु पड़ी, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी, हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या क्या है, देखिएगा यहां पे, इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्य, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और प्लस कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, विश्व भारत में सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी वो कौन सी धातु खोजी गई थी, तो तांबा, ध्यान दीजिएगा यहां पे, तांबा प्लस टीन मिला करके कांस्य बनता है, तो इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी, या तो सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, या हड़प्पा सभ्यता कहिए, या कांस्य युगीन सभ्यता कहिए, ठीक। ओके ओके अभिषेक जी, देखिए मैं यहां पे, देखिए यहां पे, देखिएगा जब हड़प्पा सभ्यता, इसका सबसे पहले एक एक करके हम बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, इसका पहले क्षेत्र देखिए, क्षेत्र कहां पे है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक। यहां पर भी आपको जानना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये पूछेगा जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका क्षेत्र कहां पे है, क्षेत्र पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ठीक, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। लेकिन अगर यहां से आया कि सबसे पहला जो क्षेत्र खोजा गया, सबसे पहला क्षेत्र कहां पे खोजा गया, तो पाकिस्तान में खोजा गया सबसे पहला क्षेत्र, कौन खोजा था, कैसे हुआ था, अभी हम बता रहे हैं। पहले क्षेत्र देखिए, इंडिया में, पाकिस्तान में, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षेत्र था वो भारत में था, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र था वो भारत में था, कहां पे था, भारत में था। आइए देखते हैं इसको, यहां पे ध्यान दीजिएगा,
जो भी स्थान मिलेगा आपको, जो भी स्थान यहाँ पे मिलेगा, जो भी स्थान मिलेगा वह किसी ना किसी नदी के किनारे होगा। कहाँ पे होगा? किसी ना किसी नदी के किनारे होगा। तो उस सब नदी का नाम नहीं जानना है, लेकिन 4 से 5 नदियों का नाम जानना है कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर है और इस नदी के किनारे कौन सा शहर है। ओके कोमल जी, प्रिंट करवा लें, अच्छा है। अतुल जी गुड मॉर्निंग। हाँ कुलवीर जी गुड मॉर्निंग। देखिए यहां पे सबसे पहले हम उत्तर से आते हैं। उत्तर, उत्तर में मांडा है। क्या है? उत्तर में मांडा है। दक्षिण में दायमावाद है, दक्षिण में दायमावाद है। पश्चिम में सुतकांगे डोर है। पूरब में आलमगीर पूर है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा आप। हाँ प्रदीप सिंह गुड मॉर्निंग, अतुल जी गुड मॉर्निंग। ठीक, तो यहां पे देखिएगा मांडा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के तट पे है? ये चिनाब नदी के, चिनाब नदी के तट पर है। आलमगीरपुर कहां पे है? आलमगीरपुर अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ये किस नदी के तट पर है? ये हिंडन नदी के, किस नदी के? हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन यमुना की सहायक नदी है। ठीक, दायमाबाद, दायमाबाद। सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर कहां पे है? सुतकांगे डोर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। एक किस नदी के तट पे है? ये दास्क नदी के, दास्क नदी के तट पर है। ठीक, अब देखिए यहां से जो चीज खोजा गया कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो यहां पे कुछ नाम है, वो नाम आप जानिए। बस इसमें सब कुछ आपके उसमें नोट्स में है, आप बस इस समझते जाइएगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, इंपॉर्टेंट आप नोट करते जाइएगा, यानी कि आप नोट कर लीजिएगा सिंधु घाटी के सभ्यता के सबसे पूर्व में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है। यानी कि सभी सभ्यता जो थी, सभी स्थान किसी ना किसी नदी के तट पर ही थी, नदी के तट पर ही स्थिति। क्यों स्थिति? क्योंकि कृषि करने में बहुत सहायक थी, सहायक थी। एक नदी के किनारे उपजाऊ पट्टी होती है, इसीलिए ये जो सभ्यता है, क्या पशुचारण व्यवस्था थी? नहीं, इसीलिए ये जो सभ्यता है ये लोग कृषि पे, कृषि मूलक व्यवस्था थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी। ठीक, आइए अब, आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैसे नाम पड़ा, कैसे नाम पड़ा। एक है चार्ल्स, इसको नोट आप कर लीजिएगा, मौसान, चार्ल्स मौसान नामक एक व्यक्ति है, पुरातात्विक विभाग के सदस्य हैं चार्ल्स मौसान। ये क्या करते हैं, 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में जाते हैं कहां पे? पाकिस्तान, हड़प्पा, हड़प्पा के टीला, टीला अभी बता दे रहे हैं क्या हो रहा है, टीला के बारे में, टीला के बारे में लिखते हैं, ना कि खोजते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। लिखते हैं किसके बारे में लिखते हैं? चार्ल्स मौसान। टीला क्या होता है? अगर आप देखे होंगे अपने यहां पुराना घर, पुराना घर, कच्चा घर या पक्का घर कुछ गिर जाता है तो ऐसे करके टीले बन जाते हैं, धूल लग जाता है या सब डस्ट एक जगह जमा हो जाते हैं। तो इसी टीले के बारे में हड़प्पा में सबसे पहले चार्ल्स मौसन ने 1826 ईस्वी में इसके बारे में लिखा था, ना कि खोजा था। ठीक, तो ये कहानी समाप्त हो गई चार्ल्स मौसन की। नितिन कुमार जी देखिए, पहली बार जो खोजा गया वो पाकिस्तान में खोजा गया, ठीक ना नितिन भाई? पहली बार जो खोजा गया वो कहाँ खोजा गया? पाकिस्तान में खोजा गया, यानी तब जो पाकिस्तान जो हिस्सा था वो भारत का हिस्सा था।
ठीक। अब देखिए इस टीले के बारे में, यानी कि आपको पढ़ना क्या है टीले के बारे में, फिर उसके बाद एक नाम आता है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ये बहुत बड़ा नाम है, सर जॉन मार्शल। अब देखिए सर जॉन मार्शल ये क्या करते हैं, देखिए सर जॉन मार्शल ये क्या है, ये डायरेक्टर हैं। क्या हैं? डायरेक्टर हैं, निर्देशक। ठीक, इन्हीं के निर्देश, ये क्या करते हैं, इन्हीं के निर्देशन में ये क्या, दो व्यक्ति को चुनते हैं। एक व्यक्ति का नाम रहता है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अब दूसरे का नाम रहता है राखाल दास, राखाल दास बनर्जी। दूसरे का नाम रहता है राखाल दास बनर्जी। सोचिए ये कोई व्यक्ति है, दो लोगों को जिम्मा देते हैं, कहते हैं जो चार्ल्स मोसन साहब अपने किताब में लिखे हैं हड़प्पा के टीले के बारे में, आप जाइए वहां पर ढूंढिए क्या है वहां पे, दोनों लोगों को। ठीक, तो इनको भेजते हैं सबसे पहले 1921 ईस्वी में और इनको भेजते हैं 1922 ईस्वी में। अब देखिएगा ये मत बोलिएगा, ये दो नाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आइए देखिए जो दयाराम साहनी है ये क्या करते हैं, हड़प्पा की खोज करते हैं। हड़प्पा, ध्यान दीजिएगा, किसकी खोज करते हैं, हड़प्पा। सबसे अभी बता देंगे कैसे याद हो जाएगा। और ये खोज करते हैं मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। कौन? रखाल दास बनर्जी। अब मिक्स मत करिएगा, दोनों सन पूछ सकता है, 1921 पूछ सकता है, 1922 पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया और किसके बारे में कौन कौन खोजा, तो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा। ध्यान दीजिएगा यहां पे हड़प्पा आ रहा है तो पा आ रहा है तो पाकिस्तान के किस प्रांत में, तो पा से हड़प्पा आ रहा है तो पंजाब प्रांत में। किस प्रांत में? पंजाब प्रांत में। ठीक, पंजाब प्रांत में। तो ये आपसे बताए थे कि किसी ना किसी नदी के तट पर सभी स्थान स्थित हैं। क्या है? किसी ना किसी नदी के तट पर स्थान स्थित हैं। तो पा से हो गया पंजाब। अब देखिए किस नदी के तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पर है। रावी आ रहा है, वह आ रहा है, तो किस, रावी के बाएं तट पर स्थित है। किस तट पर स्थित है? बाएं नदी के तट पर स्थित है। ठीक, जब एक बाएं नदी के तट पर स्थित है तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक, आइए देखते हैं अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला, ये नहीं बता रहे हैं, बस अभी स्टार्टिंग जहां से हो रही है। पहला 1921 याद रखिए, दयाराम साहनी याद रखिए, हड़प्पा याद रखिए, रावी नदी। अब यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, लाहौर भी रावी नदी के तट पर ही है, रावी नदी के तट पर है। यहां पर देखिए आप, अब आ गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहा जाता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। अब देखिए यहां पे दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी खोजते हैं, ये क्या है, पाकिस्तान का एक सिंध नामक प्रांत है। पाकिस्तान में जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब प्रांत है, तो पाकिस्तान में सिंध नामक एक प्रांत है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंध नामक प्रांत में सिंधु नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? सिंधु नदी, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया तो हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक, सिंधु नदी के दाएं तट पर, ध्यान दीजिएगा, दाएं तट पर स्थित है। ठीक ना, जैसे पूछता है कि कानपुर गंगा के किस तट पर स्थित है, वाराणसी किस नदी के पर स्थित है, तो किसके तट। मगर यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन आप में नहीं आएगा। ठीक ना, आप इतना हम बता देंगे आप लोगों को कैसे क्वेश्चन, जैसे वन डे एग्जाम का कैसे क्वेश्चन बनता है। अब ये मत सोचिए कि पीसीएस जैसे आप पढ़ेंगे तो आप लेखपाली नहीं निकाल पाएंगे। ठीक ना, अगर पीसीएस जैसे सब बारीक लगेंगे पढ़ने तो फिर आप अच्छे अच्छे फैक्ट आप भूल जाएंगे। जितना इसमें से पीसीएस नहीं है ना समीक्षा अधिकारी है, वन डे एग्जाम है, पहली लाइन क्वेश्चन पूछता है, आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लीजिएगा सब क्वेश्चन आपका, बस पहली लाइन
मगर उसको आप याद रखिएगा, कैसे आपको पढ़ना है सब हम बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर भूल जा रहे हैं कि कौन दयाराम साहनी खोजे थे, कौन रखालदास बनर्जी खोजे थे, तो आप नोट करके इसको लिख लीजिएगा, नोट्स करके इसको लिख लीजिएगा। हदमोरा लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ह से हड़प्पा, ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, यानी कि हड़प्पा, हद हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी। म से मोहनजोदड़ो, 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 और रा से राखालदास, राखाल दास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। अब देखिए जब ये दो स्थान खोज लिए, क्या किए? दो स्थान ये खोज लिए, कौन कौन? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। जैसे साधारण भाषा में समझिए, ये फिल्म के किसी फिल्म के डायरेक्टर हैं, दो एक्टर को चुनते हैं, दो एक्टर को चुनते हैं। एक एक्टर मान लीजिए अक्षय कुमार हैं, दूसरे एक्टर हैं सलमान खान हैं। सबसे पहले अक्षय कुमार इनको इनकी खोज करते हैं, फिर सलमान खान ये फिल्म बनाते हैं, यानी कि दो फिल्म बनती है, यही दो फिल्म हिट है। इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है, सब पूरा पॉइंट, ठीक। अब आइए, जब यहाँ पे हम गए यहाँ पे स्थान पे, तो स्थान पे क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, जो जो स्थान पे मिला है यहां पर, कुछ भी मिला हो, ठीक ना, तो उसका आकलन, यानी कि सिंधु सभ्यता का आकलन जो है, इसको एक और आद ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, ठीक। आद ऐतिहासिक काल यानी कि आधा लिखा हुआ काल, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं है, ठीक ना। आद ऐतिहासिक काल, क्यों आद ऐतिहासिक काल का आकलन कैसे होता है, इसका आकलन कैसे होता है? C14 यानी कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से, C14 के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकलन होता है, जो जो वस्तु मिलता है, वस्तु मिला है, तो इसी C14 के द्वारा आकलन किया गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का है कि मुगल का है कि मौर्य का है कि कब का है। आकलन कैसे किया जाता है? कार्बन, रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से, या C14 कार्बन 14, ठीक। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अतुल, कोमल, आदित्य, प्रदीप, नितिन, बताइए। अनुज, क्लास ये आपके ऐप में पड़ी रहेगी हमेशा, ठीक ना। बताइए प्रदीप, अतुल, कोमल, आदित्य, अनुज, कोई बताए, कोई दिक्कत? ओके कोमल, ओके ओके, ठीक ना। अब देखिए आकलन कैसे होगा, आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक क्यों कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां से जो लिखा हुआ मिला है, जो भाषा है, जो भाषा है, लिपि है, वो है भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। ये क्या होता है भाव चित्रात्मक? जैसे यहाँ की भाषा अगर पूछ दे कैसी थी भाव चित्रात्मक, यानी कि इसको देख करके आप स्पष्ट हो जाएं कि ये क्या है। जैसे अब इसको आप कोई पढ़ नहीं सकता, तो ये किसका निशान है? डॉक्टर का निशान है कि अगर गाड़ी पे लगा है तो डॉक्टर है, ठीक। अगर ऐसे करके ये हड्डियाँ बनी हुई हैं तो डेंजरस लिखा है, यानी कि खतरा का जगह है। तो यहाँ की जो भाषा, जो लिपि है, वो भाव चित्रात्मक है,
मिली तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए कहा गया है आद ऐतिहासिक काल। ठीक, ओके नितिन, ओके प्रवीण, ओके सुधा जी, नहीं पहले मोहन जोदड़ो नहीं होगा, पहले हड़प्पा होगा, ठीक ना, पहले हड़प्पा होगा 1921 में। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर निर्देशन पूछेगा हड़प्पा किसके निर्देशन में खोजा गया, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। अगर पूछेगा किसने खोजा हड़प्पा की खोज, तो दयाराम साहनी ने खोजा, ठीक ना, ओके। आइए देखिए अब, ठीक ये हो गया, अब देखिए अब क्या क्या कहां से मिला है, क्या क्या कहां से मिला है। सबसे पहले आइए हड़प्पा, हड़प्पा से क्या क्या मिला है, हड़प्पा से मिला है कब्रिस्तान, क्या मिला है कब्रिस्तान मिला है, दो कब्रिस्तान मिली है, एक है R37 और H आकार की, दो कब्रिस्तान कहां से मिली है हड़प्पा से मिली है, अन्नागार मिला है, लेकिन उतना बड़ा अन्नागार नहीं है जितना कि, बस यहां से देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा जो क्वेश्चन आता है वन डे एग्जाम में, बस उतना ही तक आप सीमित रहिएगा, ज्यादा अगर लेखपाली निकालना है तो बस आप ऊपर ही ऊपर रहिए, लेकिन यह है कि आप सब कुछ पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी अगर मिस हो गया तब समझिए कि थोड़ा सा आप पीछे हो जाएंगे सबसे, ठीक ना। आइए कब्रिस्तान मिली है और एक उर्वरता की देवी मिली है, उर्वरता की देवी मिली है, उर्वरता की देवी के मतलब का तात्पर्य क्या है, उर्वरता की देवी का मतलब का क्या तात्पर्य है, देखिए एक देवी है, एक महिला है, एक महिला है, तो इनके गर्व से, इनके गर्व से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दिया है, और नीचे सूची ये वृक्ष है, और महिला के गर्व से वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दिया है, और ऊपर महिला बैठी हुई है, और देखिए यहां पे जो क्या है कि यहां पे आम जनता है, यहां पे क्या है आम जनता है नीचे, इसीलिए इसको कहा गया है उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, इसकी पूजा होती थी, कहां से मिला है हड़प्पा से मिला है, कब खोजा गया 1921 में खोजा गया, किसने खोजा दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने खोजा, किस प्रांत में है तो पासे पंजाब में है, किस नदी के तट पर है रावी के बाएं नदी बाएं तट पर है, ये सब हम आपको बता चुके थे, ठीक। अब देखिए उर्वरता की देवी, अब देखिए यहां से उर्वरता की देवी, जब उर्वरता की देवी मिल गई तो यहां पे देखिए यहीं पे आप समझ नोट करते जाइएगा, तब समाज कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा समाज कैसा होगा, क्या समाज पितृसत्तात्मक होगा, पितृसत्तात्मक होगा या मातृ मातृसत्तात्मक होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहां का जो समाज था, समाज था वो था मातृसत्तात्मक समाज था, ना कि पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन आज का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, इसके बाद कहीं पर भी इतिहास में आपको मातृसत्तात्मक समाज नहीं मिलेगा, एक अपवाद है वो हम बताएंगे आगे, ठीक ना। समाज कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, कांस्ययुगीन सभ्यता का, या फिर आद ऐतिहासिक काल का, तो मातृसत्तात्मक समाज था, क्यों, क्योंकि मां की पूजा होती थी, महिला की पूजा होती थी, नदी की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, ठीक ना, आज भी वृक्ष की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, ओके सुधा जी क्लियर हो गया ना, कुछ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, और आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हाँ बस जितने लोग हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक ना। अब देखिए यहां पे समाज हो गया, समाज कहिए या परिवार कहिए, अभी यहां पे वर्ण व्यवस्था नहीं था, समाज चार भागों में जरूर बटा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसे में नहीं बटा था, ठीक ना, ऐसे में नहीं बटा था, एक बुद्धि वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था, एक व्यापारी वर्ग था, एक श्रमिक वर्ग में बटा था, ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में नहीं बटा था। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या चतुर्वर्ण की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी, जब चतुर्वर्ण का पहली बार नाम ऋग वैदिक काल में आता है तो इससे पहले का ही सभ्यता यहां पे नहीं है, ठीक। अब आइए
दूसरा मोहनजोदड़ो, आइए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये कहां पर है, ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या क्या मिला है, ध्यान दीजिएगा, एक कांस्य की नर्तकी मिली है। क्या मिली है? नर्तकी, ठीक है ना, डांसर मिली है। किस धातु की? कांस्य की। कांस्य की, कांस्य कैसे बनता था आपको बता चुके हैं, जब कांस्य की नर्तकी मिलेगी तो 11.5 सेंटीमीटर, ये आप बिल्कुल मत याद रखिएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिए कांस्य की नर्तकी कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब यहां पर देखिए, एक त्रिमुखी आद पुरुष, तीन मुख वाले, यहां पे आप देखिएगा तीन मुख वाले एक मूर्ति मिली है, जिसके तीन मुख है, एक मूर्ति मिली है, ये मान लीजिए तीन सिंह के ये त्रिमुखी मूर्ति मिली है, ठीक, इधर भी मुख है, इधर भी मुख है, ठीक ना। ये जो मूर्ति मिली है, ये जो मूर्ति मिली है कहां से मिली है, त्रिमुखी मूर्ति, तो आदि शिव आदि पुरुष की मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसी मूर्ति को सरजान मार्शल जो भेजे थे दयाराम सहद इनको, द्रखालदास बनर्जी को, तो इस मूर्ति को कहते हैं ये आदि शिव है। क्या है? आदि शिव है। कौन है? ये शिव जी की मूर्ति है। शिव जी की मूर्ति कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ध्यान दीजिएगा, त्रिमुखी पुरुष की मूर्ति, जब ये मूर्ति है तो इनके सामने, इनके आगे पीछे कुछ जानवर थे। जानवर कौन कौन थे? हाथी थे, गैंडा था, भैंसा था, बाघ था, हिरण था, ठीक ना, इतने मिले हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछेगा, लेकिन यहां पे आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, यहां जानवर का नाम आया तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी या कांस्य युगीन सभ्यता में, सिंधु काल में कहीं से भी घोड़ा नहीं मिला है, अश्व नहीं मिला है, अश्व के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी भी मुद्रा पर अश्व के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक ना, कहीं से भी, ठीक, घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिला है, वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक ना, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, अब आइए, अब देखिए यहां से और क्या मिला है हड़प्पा से, हड़प्पा से और क्या मिला है, ठीक ना, मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है। सोचिए, स्नानागार मिला है, एक स्नानागार मिला है। अब स्नानागार क्या होता है? नहाने के लिए एक तालाब मिला था, स्नानागार था। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसमें सब सीढ़ियां भी बनी थी, इसमें सीढ़ियां भी बनी थी। अब देखिए, स्नानागार मिला था, अगर आज के समय जो व्यवस्था है इससे कहीं अच्छी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में, देखिए बन रही है क्या, तालाब नहाने के लिए, लेकिन जब ड्रेस चेंज करने के लिए इसके सामने एक एक घर बना था कि महिलाएं जाएं अपना अंदर ड्रेस चेंज करें, नहाएं, ठीक ना, नहाने के बाद कपड़ा अपना बदलें। सोचिए, जो घर बनते थे, घर में क्या क्या था, शौचालय था, आंगन था और बाथरूम था, सब व्यवस्था थी, पूरी नगरी व्यवस्था थी, नगरी व्यवस्था थी। अब देखिए, जो सबसे बड़ी सड़कें हैं, जो सड़क कैसे बनती थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क थी, ध्यान दीजिएगा, वो हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से सबसे चौड़ी सड़क मिली है, वो 33 फीट की, सोचिए
33 फीट की सड़क मिली है। जो सड़क थी, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सोचिए, एक्सीडेंट होने का चांस ही नहीं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी सड़कें कैसी थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, समकोण पर काटती थी, ठीक। कविता जी एक मिनट, देखिए ना कविता, 1921 लिखे हैं, 28 कहां से आपको दिख गया। ये चार्ल्स मौसन थे, वो 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीला के बारे में सिर्फ लिखे थे। देखिए, दिखा आपको, 1921 है, देखिए और जूम करके, 1921 है, ठीक। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अब देखिए यहां से, अब आइए, पाकिस्तान का दो क्षेत्र हो गया, भारत में एक एक करके आइए, ठीक। बताइए, किसी को कुछ पता है भारत में कौन कौन सा क्षेत्र था, बताइए। नितिन, परवीन, अतुल, कोमल, प्रदीप, कोई बताए। कोई बताए, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कुछ नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम सब बता देंगे, ठीक ना। अब थोड़ा आ रहा है तो थोड़ा और जानकारी ले लीजिए, ठीक। अब पाकिस्तान में ही एक क्षेत्र और पड़ता है, चाहुंदड़ो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहुंदड़ो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या यहां से मिला है, ध्यान दीजिएगा, चाहुंदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष मिले हैं। कहां से, चाहुंदड़ो से। मनका बनाने के कारखाने फैक्ट्री, सोचिए, सौंदर्य, अगर क्वेश्चन आ जाए सौंदर्य प्रधानता के सामान सामग्री कहां से मिले हैं, तो चाहुंदड़ो से मिला है, कारखाने मिले हैं। अब तीसरा चीज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, तीसरा चीज, हाँ शुभम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इतना ही ज्यादा ना दे दें कि कुछ आपको मिले ही ना, ठीक ना। देखिए, चाहुंदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष मिले हैं, मनका बनाने के साक्ष मिले हैं। यहां से जो मिला है, जो यहां का टीला मिला है, ध्यान दीजिएगा, टीला, सब जगह जो टीला मिला है, वहां पे दो टीला था, आपसे बताया थे टीला दो था, एक पूर्वी टीला था, एक था पश्चिमी टीला। लेकिन चाहुंदड़ो से जो स्थान मिला, जो चाहुंदड़ो स्थान है, यहां से बिना दुर्ग बिना दुर्ग का स्थान, यानी कि दुर्ग रहित स्थान कौन सा है, तो चाहुंदड़ो है। अब देखिए, चाहुंदड़ो है तो चाहुंदड़ो से ही एक वस्तु मिलती है, तो कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है, यानी कि कुत्ता भी मिला है, बिल्ली भी मिली है, ठीक। यहां पे आप नोट करके लिखिए, कौन सा जानवर नहीं मिला है, घोड़ा नहीं मिला है, किसी मुद्रा पर घोड़ा नहीं मिला है, गाय नहीं मिली है, ठीक ना। अब देखिए, अब आइए, चाहुंदड़ो हो गया, अब आइए भारत में एक बार देखिए भारत में क्या क्या है। सबसे पहले देखिए रोपड़ कहां पे पंजाब में, बताइए। हाँ
हाँ कोमल जी, हरियाणा बड़ावली, धौलावीरा, आलिमपुर नहीं, आलमगीरपुर, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हाँ शुभम, कालीबंगा, बिल्कुल सही, सब स्थान है, सब देखिए, सबके बारे में मेन मेन पॉइंट आपको जानना है, मेन मेन पॉइंट जानना है, उसको कैसे याद करेंगे। देखिए कुल मिला के इतिहास समझिए कि आज की वेब सीरीज है, वेब सीरीज है, कोई भी मूवी एक वेब सीरीज में एक पार्ट में नहीं समाप्त होती है, वैसे ही एक भी पार्ट आपका छूटा तो समझिए कि आप अपने आप को एक क्वेश्चन आप पीछे कर रहे हैं, ठीक ना, अपने आप को एक क्वेश्चन पीछे रहे हैं। रोपड़, रोपड़ से सिर्फ और आप इतना जानिए पंजाब में पड़ता है, यहां से क्या है कि मनुष्य के साथ, रोपड़ से मानव के साथ, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, किसको, कुत्ते को दफनाया गया है, यानी कि यानी पहले भी लोग कुत्ता पालते थे, सोचिए कितना प्रिय जानवर कौन सा था, कुत्ता था, ठीक ना, प्रिय जानवर कुत्ता था, रोपड़ पंजाब में, ठीक। अब देखिए फिर उसके बाद बड़ावली, बड़ावली, बड़ावली कहां पे है, हरियाणा में है, यहां पे मिट्टी के हल्के साक्ष मिले हैं, किसके, मिट्टी के हल्के साक्ष मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, लोहा का हल्का साक्ष नहीं मिला है, मिट्टी के हल्के साक्ष मिले, वो भी खिलौने के रूप में, खिलौने के रूप में, ध्यान दीजिए यहां पे, अगर मिट्टी का हल मिलेगा तो कितनी गहरी खुदाई करेगा, बहुत ज्यादा, 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे सोचिए जब मिट्टी का हल मिल रहा है खिलौने के रूप में, लकड़ी का हल मिल रहा है, तो यहां पे आप नोट करके जानिए, नोट करके जानिए कि कौन सी फसल नहीं थी, बस यही आपको जानना है, बाकी कुछ भी आए आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, गन्ना, गन्ना सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, कपास था, मोहनजोदड़ो से मिला था, ऊन मिला है, मटर मिला है, सरसों मिला है, कपास मिला है, गेहूं मिला है, चना मिला है, जौ मिला है, लेकिन पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता की फसल है वो है जौ, ठीक ना, गन्ना नहीं मिला है, क्यों गन्ना नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा, गन्ने की बुआई के लिए कम से कम 1 फिट की जुताई होना जरूरी है, कम से कम। अब 1 फुट की जुताई कब होगी, कब होगी, जब लोहा का हल मिलेगा, जब लोहे का हल मिलेगा, जब लोहे का हल मिलेगा तब 1 फुट की जुताई होगी और तब गन्ना मिलेगा, यानी कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सभी धातु मिला है लेकिन लोहा नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, लोहा कब मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ठीक ना, जब अथर्ववेद पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि लोहा तब मिला है, यानी कि घोड़ा, गन्ना और लोहा, तीन चीज आपको सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, इसलिए गन्ना भी नहीं है, लोहा भी नहीं है, ठीक ना, आया समझ में, अगर जिनके यहां गन्ने की खेती होती होगी उनको पता होगा कितनी गहरी जुताई होती है। मन का ये है कि आप नेट सर्च करिएगा, वो हार टाइप में था, जो सौंदर्य प्रधानते की सामग्री थी वही मन के था, मन का बनाने के कारखाने, ठीक ना, वही था, ठीक। अब आइए, बड़ावली हो गया, कालीबंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा, ठीक ना, कालीबंगा कहाँ पे था, कालीबंगा राजस्थान के गंगनगर, गंगनगर जिला में था। अब ध्यान दीजिएगा, आप बस राजस्थान याद रखिए, गंगनगर ना याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इतनी गहराई में नहीं पूछेगा, बस राजस्थान में कौन सा स्थल मिला है, तो कालीबंगा मिला है, कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियों के लिए फेमस था, इसलिए इसका
पूरा नाम काली बंगा पड़ा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सामान सामग्री मिले हैं कि इस पूरे हड़प्पा कालीन में भारत में जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलता है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो काली बंगा से ही बनता है। रंगपुर, हाँ रंगपुर हरियाणा में, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे शुभम, ठीक ना, रंगपुर हरियाणा में धान की भूसी मिली है, बाजरे की भूसी मिली है, बताएंगे, लेकिन जो ठीक ना, यहाँ पे देखिए कालीबंगा, कालीबंगा में ठीक ना, कालीबंगा गंगनगर में। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है, इस स्थान से, स्थान से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से मिला क्या है, पहले प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिला है, यानी कि सबसे पहले प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिला है। दूसरा ताम्र का वृषभ, वृषभ मतलब बैल, तांबे का वृषभ मिला है, ध्यान दीजिएगा, तांबे का वृषभ कहां से मिला है, कालीबंगा से, यानी कि तांबे का जानकार थे। और ताम्र जो, तांबा जो प्राप्त किया जाता था वो कहां से प्राप्त किया जाता था, राजस्थान के खेतड़ी से। अब तीसरा हवन कुंड मिला है, सोचिए सात हवन कुंड मिला है, सात हवन कुंड मिला है, हवन कुंड यहां से भी मिला है, हड़प्पा से भी मिला है, लेकिन सात हवन कुंड, सबसे ज्यादा हवन कुंड क्या से, कहां से मिला है, वो कालीबंगा से मिला है। फिर चौथा, एक साथ दो फसल, दो फसलों के साक्ष्य, दो फसलों के साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है, ठीक ना, कालीबंगा से मिला है। अब पांचवा, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत के साक्ष्य, खेत के साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। ध्यान दीजिएगा, खेत की जुताई, अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिए कैसे आपको, कैसे आपको याद रखना है, जुता हुआ खेत मिला है, खेत क्या जोतेंगे, बैल, तो ताम्र का वृषभ मिल गया, बैल मिल गया, ताम्र का वृषभ मिल गया, जब जुताई कर लेंगे तब क्या होगा, फसल बोलेंगे, लेकिन दो फसल बोएंगे, दो फसल बोएंगे, ठीक ना। अब ये नहीं पूछता है कौन कौन सा फसल, बहुत गहराई में ना जाइए, हम बता सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बहुत बता रहे हैं कि आप फिर लगेंगे उसको याद करने के चक्कर में, क्योंकि आपका जो इस समय टारगेट है वो है लेखपाल। हाँ अब तो रोटावेटर चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन लोहे से जुताई होती है अब, ठीक ना, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है, और भूकंप का साक्ष्य मात्र एक जगह मिला है, कहां से, कालीबंगा से मिला है। ठीक, अब आइए रंगपुर, रंगपुर से धान की भूसी मिली है, ध्यान दीजिएगा धान की भूसी मिली है, धान की भूसी कहां से मिली है, रंगपुर से मिली है। ठीक, लोथल, लोथल, लोथल के बारे में जानिए, ये कहां पे है, गुजरात में है, देखिए लोथल के बारे में जानिए, देखिए दिख रहा है ना, देखिए लोथल के बारे में देखिए, ये गुजरात है, ये क्या है, गुजरात है, राजस्थान है, सबसे उत्तरी छोर मांडा मिला है, यहां से मांडा मिला है, सबसे पश्चिमी छोर सिंधु घाटी बलूचिस्तान सुतकांगेडोर मिला है, सबसे उत्तरी छोर, सबसे पूर्वी छोर मेरठ में आलमगीरपुर, सबसे दक्षिण छोर महाराष्ट्र में दायमाबाद। ठीक, अब देखिए यहां पे जो लोथल है, जो लोथल है, लोथल ध्यान दीजिएगा, लोथल, लोथल कच्छ की खाड़ी में ना होकर के खंभात की खाड़ी में, ध्यान दीजिएगा, जो गुजरात के जो स्थल मिले हैं उसमें से मात्र एक स्थल कौन सा है, लोथल, लोथल,
लोथल कक्ष की खाड़ी में ना होकर के कहां पे है, खंभात की खाड़ी में है, ठीक ना, कहां पे आ रहा है, खंभात की खाड़ी में है, और इसीलिए यहां पर इसको इसको छोटा भारत का छोटा मोहनजोदड़ो कहिए, भारत का मोहनजोदड़ो कहिए, इसको भारत का मोहनजोदड़ो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए बता देखते हैं क्यों कहा जाता है इसको भारत का मोहनजोदड़ो क्यों कहा जाता है, क्यों, अब देखिए यहां पे लोथल कहां पे, गुजरात में। अब ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है, बताइए किसी को पता है? हां शुभम जी, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, सात हवन कुंड मिले हैं, दो युगल समाधान मिले हैं, दो युगल समाधान मिले हैं, अभी हम बताएंगे उसको, ठीक ना, क्यों, क्योंकि देखिए सात हवन कुंड यानी हवन कुंड दो जगह से मिले हैं, लोथल से भी और कालीबंगा से भी। अगर ऑप्शन में कालीबंगा है तो कालीबंगा लगेगा, क्यों, क्योंकि सात है और लोथल से सिर्फ दो हवन कुंड मिलते हैं, ठीक ना। अब देखिए किस नदी के तट पर है, ये भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है, कौन सा, लोथल। हां भोगवा रिवर, ध्यान दीजिएगा भोगवा नदी, ठीक ना, अगर क्वेश्चन आए ध्यान दीजिएगा। शुभम भूकंप आता है ना, भूकंप आज भी तो भूकंप आता है, ठीक ना, तो भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, जमीन फटी थी, लोग मरे थे, तो इसलिए जब जब आकलन किया गया C-14 से तब सब सामग्री का पता चला, ठीक ना। यहां पर आइए, भोगवा नदी के तट पर है। अब इसका खोजकर्ता, खोजकर्ता यहां पे आप याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि भारत का मोहनजोदड़ो है, एस आर राव इसके खोजकर्ता है। अब देखिए यहां से मिला क्या क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्खनित वस्तु क्या क्या यहां से उत्खनित हुई है, यहां पे आप देखिए क्या क्या मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है, ध्यान, हां भोगवा नदी, हां राधिका जी भोगवा नदी, ठीक, चावल के साक्ष्य मिला है, कहां से, लोथल से, युगल समाधान कितने, तीन युगल समाधान मिले हैं, यानी कि दो दो पति पत्नी को साथ दफनाया हुआ, तीन युगल समाधान मिला है, कहां से, लोथल से। अब देखिए क्या मिला है, मुहरे मिली है, कहां की, फारस की। अब ध्यान दीजिए यहां पे, एकदम समझिए, समझते जाइए क्रोनोलॉजी, चावल युगल समाधान, मुहरें, जब मुहर फारस की मिलेगी, ध्यान दीजिएगा फारस की मिलेगी, तो कहां से व्यापार, देखिएगा यहां पर व्यापार होगा, उस समय जहाज था नहीं कि व्यापार करेंगे, स्थल मार्ग था नहीं, तो कैसे व्यापार करेंगे, इस समुद्र के माध्यम से ईरान से फारस से व्यापार करते थे, यहां पर कैसे व्यापार करेंगे, यहां पर कुछ रहेगा तभी व्यापार करेंगे, तो इसलिए यहां से लोथल से एक बंदरगाह मिला है, यानी कि डकयार्ड या गोदीवाड़ा, प्राचीनतम बंदरगाह कहां से मिला है, भारत के भोगवा नदी के तट पर जो स्थित है, लोथल से मिला है। जब लोथल से, ध्यान दीजिएगा, बंदरगाह मिलेगा, तब यानी कि सबसे ज्यादा व्यापार वाणिज्य जो होगा वो कहां से होगा, लोथल से होगा, इसीलिए यहां से मुहरे मिली हैं, कहां से, लोथल से, फारस की मुहरे। इससे स्पष्ट होता है भारत जो था विदेशों से व्यापार वाणिज्य करता था, ठीक, आया समझ में ना, यहां से यही इतना आपको याद करना है, यही इतना आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह, छोटे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, लोथल किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है, बंदरगाह, प्राचीनतम बंदरगाह कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है, ठीक।
ये खंभात की खाड़ी में है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लोथल है ये खंभात की खाड़ी में है, खंभात की खाड़ी में, ना कि कक्ष की खाड़ी में, और बाकी सब कक्ष की खाड़ी में मिलता है, ठीक ना, कक्ष की खाड़ी में मिलता है। अब आइए देखिए, जो हम बताए हैं एक बार आप देखिए यहां पे थोड़ा सा, ठीक, देखिए यहां पे हड़प्पा 1921 बता चुके हैं, कैसे आप याद रखेंगे, जो आपको दिया गया है वो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, उसमें बस ये है कि इसको रखिए, अब जो चीज हम कुछ बता रहे हैं उसको आप उसी में नोट कर लीजिए या अलग नोट करिए, मगर रखिए आप प्रिंट निकलवा करके, ठीक। तो यहां से देखिए हम दो कब्रिस्तान बताए हैं, R37 और H आकार के कब्रिस्तान मिला है, विशाल अन्नागार कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक। अब देखिए ये सब हम बता चुके हैं आपको, ठीक ना, अब इसकी बॉक्स की बहुत जरूरत, बॉक्स की जरूरत ही नहीं है। देखिए चाहुंदड़ो सिंधु घाट सिंधु नदी के तट पर है, मनके बनाने की दुकानें कारखाने, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता बता चुके हैं, पदचिन्ह मिले हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। अब देखिए कालीबंगा बता चुके, लोथल बता चुके, ठीक, लोथल में देखिए मानव निर्मित बंदरगाह मिला है, यानी कि डकयार्ड मिला है, इसी को गोदीवाड़ा कहते हैं, चावल की भूछी के साक्ष्य, अग्निवेदिकाएं मिली है, लेकिन दो मिली है, ठीक ना, दो अग्निवेदिकाएं मिली हैं। अब आइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, धौलावीरा गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है, कहां पर है, कच्छ की रण में है, जल निकासी प्रबंधन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे अच्छा जल प्रबंधन कहां का था, तो धौलावीरा का था, सबसे अच्छा धौलावीरा का, सबसे घटिया कालीबंगा का था, लेकिन आपको सबसे अच्छा पढ़ना है, सबसे बेकार नहीं पढ़ना है, ठीक। अब यहां पे देखिए गुजरात के या RS बिष्ट किए थे, इस सन पे आप मत जाइएगा, इस पे भी ना जाइएगा, ठीक ना। अब जाएंगे कहां, बस यहां पे आइए, जल निकासी प्रबंधन कहां पे है, अब धौलावीरा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप नोट करके लिख लीजिए, सब हम एक ही जगह बना दे रहे हैं, ठीक। ये पूर्वी दुर्ग है, पूर्वी दुर्ग है, यह है पश्चिमी दुर्ग है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी दुर्ग है, सभी जगह दो दुर्ग वाले नगर मिले हैं, दो दुर्ग वाले, यहां पे जनता रहती थी पूर्वी दुर्ग में, इसलिए इसके इसको नगर दुर्ग कहा जाता है, लेकिन आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, जो पश्चिमी दुर्ग था इस पे शासक वर्ग रहता था, इसकी ऊंचाई कुछ ज्यादा थी। तो यहां पे देखिए, यहां पे सभी जगह दो दुर्ग वाले मिले हैं, लेकिन चाहुंदड़ो से किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं मिला है, कहां से, चाहुंदड़ो से, चाहुंदड़ो से, लेकिन धौलावीरा से, धौलावीरा से ये मिला है कि धौलावीरा में तीन दुर्ग वाले, यानी कि त्रिदुर्गी था, त्रिदुर्गी कृत नगर था, त्रिदुर्गी कृत नगर कैसा था, तो कौन सा था, धौलावीरा। अब आइए यहां पे, इसके सिक्के कैसे थे, सिक्के ये सेल खड़ी, आप बस नोट कर लीजिएगा, सेल खड़ी की बनी होती थी, सेलखड़ी की बनी होती थी, सिक्के किसकी, सेलखड़ी की बनी होती, सेलखड़ी एक धातु है, इस पे चिन्ह जो सिक्का है, सिक्का मैक्सिमम सिक्का बेलनाकार था, लेकिन आपको याद नहीं करना है, क्योंकि कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा सिक्का कैसे थे, ये पूछेगा सेल सिक्के कैसी बनी होती थी, सेलखड़ी की, लेकिन कुल मिलाकर यहां जानिए आप, लोहा नहीं मिला है धातु में, ठीक। पशु, पशु कौन से थे, पशु कौन सा नहीं मिला है, सभी पशु मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी भी सिक्के पर घोड़ा का चिन्ह नहीं है, ना घोड़ा घोड़ा मिला है। अब देखिए धातु, धातु में सभी धातु मिला है, लेकिन लोहा नहीं मिला है, लोहा नहीं मिला है, ऊनी वस्त्र मिला है, कपास वस्त्र मिला है, जो सिक्के थे वो बेलनाकार थे, सेलखड़ी के बने होते थे। समाज आपको बता चुके, समाज जो समाज था वो समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज था, पितृ सत्तात्मक नहीं था। जो व्यवसाय था,
व्यवसाय था, ये क्या था, एक कृषि मूलक समाज था, कृषि मूलक समाज था। ध्यान दीजिएगा, कृषि मूलक समाज था, पशुचारण नहीं था, किसी कृषि मूलक यानी कि कृषि प्रधान सभ्यता थी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कृषि की सिंचाई ये लोग किसी भी प्रकार, अगर नहर आ जाए, नहर बिल्कुल नहीं, नहर का तब नाम निशान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नदी, किसके किनारे बसे थे, नदी के किनारे बसे थे, ठीक ना। हाँ शुभम जी, भोगवा नदी, हाँ भोगवा नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के तट पर गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। ठीक, अब बहुत गहराई में मत ना जाइए, बहुत गहराई में जाना भी नहीं है, बहुत गहराई में जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पीसीएस जैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, समीक्षा जैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना। आप पिछले बार का पेपर उठाइए, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, पहली लाइन जो भी आप उठाइए, अगर यहां से पूछा है एनसीएंट से, अगर ट्रिपल एससी का अधीनस्थ सेवा भी कोई क्वेश्चन उन्डे में उठाएगा तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएगा, ठीक ना। बताइए किसी को कोई दिक्कत, देखिए पहला सीजन का पहला पार्ट आज समाप्त होगा, ठीक ना। अब ऐसे करते करते आप पूरा, हाँ नोट्स भी बना लेंगे और पढ़ भी लेंगे। बताइए बताइए, अतुल, नितिन, शुभम, कोमल, राधिका, प्रांजलि, शुभम, बताइए कोई दिक्कत किसी प्रकार की, या ना समझ में आ रहा हो, इतिहास टफ लग रहा हो, लेकिन इतना जानिए सबसे आसान पढ़ना इतिहास है, सबसे आसान। आप एक बार अगर याद कर लिए, पढ़ लिए, तो सपने में भी बता देंगे सही होगा, चाहे 100 साल बाद कोई पूछे, चाहे कभी भी कोई पूछे, ठीक ना। ठीक है, चलिए फिर अब इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक ना। ठीक है चलिए फिर, कोई दिक्कत है, देखिए नितिन जी लोथल के अलावा बंदरगाह तो है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, सुतकांगे डोर में छोटा मोटा बंदरगाह पाया जाता है लेकिन उसको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। हाँ नितिन, कौन सा क्वेश्चन बताइए, हाँ नितिन बताइए कौन सा क्वेश्चन, ठीक है चलिए फिर। हाँ शुभम जी, लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, भारत का हड़प्पा भी कह सकते हैं, भारत का मोहनजोदड़ो भी कह सकते हैं, लघु हड़प्पा भी कह सकते हैं, लघु मोहनजोदड़ो भी कह सकते हैं, ठीक ना। लोथल को, ठीक है चलिए फिर, थैंक यू।